हेल्थ के बारे में भी बोला और बाकी जो हमने हमारी टीम गई थी उसके बारे में भी अंजलि और अमृता ने जो बहुत बताया उसको रीट्रेन करते हुए मुझे तीन चार चीज़ में सामने रखना चाहती हूँ। एक तो है ये सभी शिविकार का हर गली, जैसे अंजलि ने बोला सब डेसर्टेड है, मगर एक चीज़ खास बात है कि जो मुसलमान लोग रहती थी वो सारा घर, नॉट इवन ए सिंगल हाउस इज लेफ्ट आउट विदाउट बर्निंग। तो सारा जो हिंदुओं का घर है तो उसको कुछ भी नहीं हुआ है, मगर डेसर्टेड है। हिंदू लोग भी बाहर है, सबको डर है इसलिए बाहर है, मगर उनका घर को कुछ नहीं हुआ है। बाकी सारे के सारा जो मुसलमानों का घर जला हुआ है गली गली में। और दूसरी बात यह है कि जो दुकानें है उसका सारा शटर डाउन है, और जो हिंदुओं की दुकान है उसमें उसका ऊपर लिखा हुआ है जय श्री राम, पेंट किया है। कोई भी एक दुकान की शटर पे वो पेंटिंग किया नहीं है, तो फिर उधर व्हाइट शीट पे लिख के रखा है, उधर चिपका गया है कि जय श्री राम करके। तो वो दुकानों का कुछ नहीं हुआ है, मगर जो मुसलमानों का दुकान है वो कोई भी जो बेकरी का एक एक स्ट्रीट फुल ऑफ बेकरी दुकान था, वो सारा प्रोविजन वो सभी चीज़ सारा दुकानें भी उधर डैमेज किया है, ये एक चीज़ है। और दूसरी बात है जिस दिन हम गई थी उस दिन सुबह आके जो लोग हमें बताए सारा क्लीन अप किया है, तो एविडेंस के लिए यदि कोई इंक्वायरी भी हो हाई लेवल इंक्वायरी होना चाहिए। वो इंक्वायरी जब करते वक्त जो कहाँ से एविडेंस इकट्ठा करेगी, कुछ भी नहीं है उधर, कोई एक भी पत्थर उधर जो गली का उधर नहीं देखा है। लोग खुद बोला है कि आज सुबह आके सारा क्लीन अप किया है। और हमें दूसरी एक चीज़ बताना है कि जो बच्चों को भी हमने देखा इंजुरीज है बच्चों का, और माँ ने बोले हम हर हालत में अस्पताल नहीं जाएगी क्योंकि हमें डर है कि हमें कोई और उधर हमें परेशान करेगी और हमें उधर और मारेगी, यही बता रहे। और स्टूडेंट्स जब कैंप में हम गए थे उधर बताया है कि हमारी एग्जाम्स करेंगी करके बोल रहे, मगर हम इस जगह से कैसे हम निकलेंगे हमारी स्कूल के लिए, और हमारी सारे किताबें जल गया है, हम कैसे हमारी एग्जाम सक्सेसफुली लिख पाओगी। एक तो है इधर से निकल नहीं सकती है, दूसरा यदि कोई लेके जाएगा तो फिर हम कैसे लिखेंगे कुछ भी, हमारा हमें पढ़ने का सारा चीज़ जल गया है, ये भी स्टूडेंट्स हमें खास करके ने बताया है। और फिर हमें ये एक और इसके साथ जो हमारे डिमांड्स के साथ मैं जोड़ना चाहती हूँ, जो परिवार बहादुरी का काम किया है, जो जिन परिवारों को उसका सब चीज़ जो जिसका कोई रिलेटिव दिल्ली के अंदर नहीं है तो उनको जगह दिया है, उनकी उस परिवारों का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का सुनिश्चित करना है सरकारों को, ताकि ये नहीं, वो भी बहुत डरा हुआ है, हमें बोल रहे हैं कि लोग आके हमें ये बोल रहे हैं कि आरएसएस वाले आके आपका घर को भी जलाएगी आपको मार डालेगी। तो ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ दोस पीपल हु शेल्टर्ड दी विक्टिम्स ऑफ दी राइट, ये बहुत हमारी जो डिमांड्स के साथ एक और जोड़ना चाहती हूँ। और सच में अखबारों में हम देख रहे हैं, पेपरों में देख रहे हैं कि सरकार बहुत है, इधर उधर सब जगह पे है, मदद कर रहे हैं कि रिलीफ में है, रिहैबिलिटेशन में है, सब कुछ है, मगर इन द ग्राउंड देयर इज नथिंग। कोई चार दिन के चार पाँच दिन हो गया है, मगर एक भी नुमाइंदा सरकार का इनके पास पहुंचा नहीं है। ये एक क्रिमिनल एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वेदर इट इज स्टेट गवर्नमेंट, वेदर इट इज सेंट्रल होम मिनिस्ट्री, इट्स लिटरली इट इज मोर रेस्पॉन्सिबल टू द स्टेट गवर्नमेंट। उनको ये नहीं बता सकती है कि हमारे पास पुलिस नहीं इसलिए हम कुछ नहीं कर सकती है, ये बिल्कुल हम जो ये क्या है मानने वाले लोग नहीं है, उनकी MLA और उनकी जो लोग ऑफिसर लोग यदि जो अफेक्टेड पीपल के पास चले जाएगा तो उनके पास जाके खड़े हो जाए तो बहुत जो कॉन्फिडेंस मिलती है, कहीं पर भी हमने देखा नहीं है। जो शिव विहार में हमें ये बकायदा बताया है, हाँ जी आए थे कि कॉम्पेंसेशन के लिए हमारा नाम हमारा डिटेल्स उन ऑफिसर ने खुद लिखा है और लेके गया है। हमने उसके जो 500 मीटर दूर जो एक जगह पे शरण दिया है एक जो बाकी लोगों को, उनसे हमें हमने पूछा था कि क्या चमन पार्क में कि क्या आपके पास कोई नुमाइंदा ऐसा आए थे
कॉम्पेंसेशन के बारे में, एक तो है महिलाएं बोल रही, इतना वो लोग गुस्से में है और वो लोग इतना डरा हुआ है कि बोल रहे कि हमें कोई कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि यदि उसी के अंदर भी NRC का कुछ हमारे डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स यूज करे, हम नहीं चाहती है। मगर हमने पूछा ऐसा कोई आ गया है, एक भी ऑफिसर या कोई क्लर्क भी उधर सरकार की तरफ से पहुंचा नहीं है। ये कहा कि सरकार है, क्या राज्य की सरकार है, पता नहीं कैसे है। तो ये एक बहुत हमें बार बार इसको हम कंडम करती हूँ कि सरकार का इस एक लापरवाही और सरकार का सोच समझ कर वो लोग नहीं जा रहे हैं, कोई भी कारण होगा। मगर जब जनता ऐसा एक मुसीबत में है तो आपको पहुंचना चाहिए, तो आप नहीं पहुंच रहे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और दूसरा, डॉक्टर साहब ने इधर बताया आयुष्मान भारत बहुत बोल रही है, मगर आपकी सरकारी अस्पताल में जो पट्टी करने का चीज़ भी नहीं है, कॉटन भी नहीं है और सुई भी नहीं है। ऐसा हमने गाना गाया था हमारी यात्रा के जो वो गांव में सोचा था, मगर दिल्ली का अंदर भी यही स्थिति है। इसको भी हम सरकार के सामने लाना चाहती हूँ। लास्ट एक पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ कि कल जो जयपुर में बहुत सारी जगह पे खबर आ रही थी, लोग इकट्ठा हो रहे हैं सब कुछ, और हमारी भी महिलाएं उधर है, मैं नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन से हूँ, हमारी मेंबर लोग उधर है, हमारी यूनिट है, हमने तुरंत उधर कॉन्टैक्ट किया था। फिर उन्होंने बोला कुछ बाहर चल रही है, मैंने बोला कुछ भी ऐसा है और आपको कोई दिक्कत है तो 100 नंबर पर कॉल करना। और बाद में भीड़ आए था, फिर उनकी बेटा जो भाग कर अंदर आ गया, तो उन्होंने वो बेटा का फोन लेके मोबाइल लेके पुलिस को 100 नंबर पे कॉल किया, पुलिस इतना डांटा उनको, और फिर 2 बजे सुबह पहुंच गया उनकी घर पे कि आप रूमर फैला रहे, आपके खिलाफ FIR होगी, आप सुबह पुलिस स्टेशन में आना। जयपुर पुलिस स्टेशन में सुबह 8 बजे गया, 2 घंटे रात को उनको 2 बजे से 4 बजे तक उनको उनसे क्वेश्चन किया था और सुबह 8 बजे गया। अभी भी मैं अभी इधर आ रही थी तब तक उसी पुलिस स्टेशन में है और बोल रहे कि आपके खिलाफ FIR करेंगी करके। तो यही है पुलिस, तो ये एक स्पॉन्सर्ड स्टेट स्पॉन्सर्ड पे भी पर्टिकुलरली बोलना चाहती हूँ, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री स्पॉन्सर्ड एडेड बाई द स्टेट गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ देयर इनएक्शन इन टेकिंग इट। We demand immediate the relief and rehabilitation action from the state government as well as from the central government.